हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं यूनिक सुमित, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक एसकेआर टेक्नोलॉजी। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने पीसी और डेस्कटॉप में है वो टाइपसल्ला सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल कर सकते हैं दोस्तों। तो हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बहुत ईजी स्टेप से मैं बताऊँगा कि कैसे आप अपनी टाइपसल्ला और है सॉफ्टवेयर है वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने पीसी और डेस्कटॉप में दोस्तों। तो टाइपसल्ला सॉफ्टवेयर शुरू में दोस्तों 32 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ही बनाया गया था दोस्तों। आजकल के डेस्कटॉप और पीसी में दोस्तों 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है दोस्तों। तो इसीलिए हमारे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है टाइपसल्ला इंस्टॉल करने के लिए दोस्तों। तो आज उसी प्रॉब्लम के मैं सोल्यूशन लेके आ गया हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो है मैं वो स्टार्ट कर रहा हूँ कि कैसे आप अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि डेस्कटॉप और पीसी में है वो इंस्टॉल कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। हे दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को भी दबाए दोस्तों। बेल आइकन को क्यों दबाए दोस्तों, कि जब भी मैं यूट्यूब पर नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबको सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, इसीलिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं ये वीडियो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको बताऊंगा कि कैसे आप 64 बिट के अंदर अपनी टाइपसल्ला सॉफ्टवेयर का है वो इंस्टॉल कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं एक फुल स्टेप कर के बता रहा हूँ अभी कि कैसे आप अपनी टाइपसल्ला में यानी कि 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में है वो टाइपसल्ला इंस्टॉल कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ हमारे पीसी है दोस्तों, और पीसी के अंदर मैंने क्लिक करके यहाँ प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है दोस्तों। प्रॉपर्टी पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ चेक कर सकते हैं दोस्तों कि यहाँ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कितना बिट का है, देख सकते हैं। अभी फिलहाल मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 64 बिट का है दोस्तों। आप खुद भी देख सकते हैं कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम अभी 64 बिट का है दोस्तों। अगर से मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट का होता तो इजीली मैं टाइपसल्ला जो इंस्टॉल कर सकता, क्योंकि टाइपसल्ला जो पहला 32 बिट के लिए ही आया था दोस्तों। तो चलिए, आज मैं 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे टाइपसल्ला वो इंस्टॉल करें। तो मैं वीडियो में एक लिंक दिया हूँ दोस्तों, उधर से आप टाइपसल्ला एप्लीकेशन का डाउनलोड कर सकते हैं। वो लिंक क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का है वो इंटरफेस खुल के आएगा, और देख सकते हैं यहाँ डाउनवर्ड एरो है, इस पर क्लिक करने के बाद आपका वो डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, देख सकते हैं डाउनलोड एयर है, चाहे आप इसे डाउनलोड ऑप्शन भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं आपका इच्छा। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको एक है ये टाइपसल्ला एप्लीकेशन है सॉफ्टवेयर है वो आपको डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। देखिए, मेरा टाइपसल्ला है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया दोस्तों। आप खुद देख सकते हैं मेरा ये टाइपसल्ला डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। चलिए दोस्तों, मैंने मेरा डाउनलोड हो गया है, और इधर से मैंने डाउनलोड टाइपसल्ला है को फाइल ओपन करके देख लिया। यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट में आ गया है, और इसे मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पीसी में जाके और लोकल डिस्क डी में जाके मैं इधर टाइपसल्ला को है पेस्ट कर दिया दोस्तों। देख सकते हैं मैंने इधर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मेरा यहाँ टाइपसल्ला है वो आ गया है दोस्तों। आप इसको फाइल में कन्वर्ट करना है दोस्तों। तो चलिए, मैंने एग्जीक्यूटिव फाइल में क्लिक कर दिया दोस्तों, और ओके कर दिया दोस्तों। देखिए, मेरा फाइल में टाइपसल्ला है वो कन्वर्ट हो गया, और मैं ओपन करता हूँ फोल्डर का। फोल्डर के ओपन करने के बाद देखिए, ये दो फोल्डर भी जिप में आया है दोस्तों, आप देख सकते हैं, यानी कि बैकअप इसे भी फोल्डर। मैं इस फोल्डर को भी मैं फोल्डर में क्रिएट कर रहा हूँ दोस्तों। देखिए, फर्स्ट को मैंने क्लिक करके बना दिया, और सेकेंड के भी बना रहा हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं। देखिए, बन गया, देखिए मेरा दोस्तों। आप इधर से आप टाइपसल्ला है वो पे क्लिक करिएगा दोस्तों। देखिए, क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, आपको कुछ इस तरह का है जो इंटरफेस खुल के आएगा दोस्तों। देख सकते हैं आप कैसे, देखिए देखिए टाइपसल्ला आया है दोस्तों। टाइपसल्ला के अंदर देखिए दोस्तों कितना सारा है वो फाइल आया है दोस्तों, और देखिए लास्ट के 5वें नंबर में आया है दोस्तों ये टाइपसल्ला, और ये दिखा रहे हैं कि दिस ऐप इज़ कैन नॉट रन ऑन योर पीसी। अगर से मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट का होता तब ये टाइपसल्ला इजीली रन हो जाता दोस्तों, क्योंकि टाइपसल्ला जो था जो 32 बिट के लिए ही बनाया था। अभी फिलहाल मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट का है, इसीलिए ये इजीली रन नहीं हुआ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको कैसे ये 64 बिट के अंदर ये टाइपसल्ला है वो इंस्टॉल करें वो मैं बताऊंगा दोस्तों। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, दो फोल्डर पहले से क्रिएट हुआ है जो आप ही ने किया था दोस्तों। देख सकते हैं इधर से, ये फोल्डर के अंदर है वो
एक क्यूबेन नाम का एक फाइल होता है, वो आपको इंस्टॉल करना पड़ता है दोस्तों। वो फाइल के अंदर आप है और टैपसाला का इंस्टॉल करिएगा दोस्तों, और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में इजीली हो जाएगा दोस्तों। देखिए मैंने इधर पर क्लिक कर दिया, देखिए, और इधर से मेरा ये है, ये फाइल है, वो इसको ओपन करना है दोस्तों। देखिए, देख सकते हैं, और ये फाइल का एक नाम देके सेव करना पड़ेगा दोस्तों, कोई भी नाम दे सकते हैं आप, देख सकते हैं इधर पे। और आप कहाँ सेव करना है वो इधर से लोकेशन, चाहे लोकल डिस्क हो, हार्ड ड्राइव हो, जिधर में आप सेव कर सकते हैं दोस्तों। तो फिलहाल मैं टैपसाला पर क्लिक करके सेव कर रहा हूँ दोस्तों, देख सकते हैं कैसे मैंने सेव किया। इधर से मेरा टैपसाला है, इधर मैंने सेव कर दिया, और देखिए मेरा इजली है वो टैपसाला है वो रन हो गया दोस्तों। आप देख सकते हैं मेरा इजली अभी रन हो रहा है, ओपन हो रहा है। देखिए मेरा टैपसाला जो ओपन होकर आ गया दोस्तों। और देखिए इधर होम, टॉप, कितना सारा ऑप्शन आ रहा है दोस्तों। आप फर्स्ट लेवल या सेकेंड लेवल के ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। फिलहाल मैंने होम पर क्लिक किया, और नेपाली इंग्लिश कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। फिलहाल मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया, देख सकते हैं। देखिए और इधर से आप टाइपिंग कर सकते हैं, टैपसाला है, टाइपिंग करने के लिए टैपसाला जो बहुत इम्पोर्टेंट गप है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको अपनी डेस्कटॉप पर रख रहा हूँ दोस्तों। तो इधर मैंने देखिए कॉपी कर रहा हूँ, और कॉपी करके मैं अपनी डेस्कटॉप पे है वो रख दूँगा दोस्तों, क्योंकि मुझे ये बार बार कितना फाइल साइल खोलना पड़ता है दोस्तों, बहुत सारा झाउन लगे रहा है दोस्तों, इसीलिए चलिए दोस्तों मैं इसको डेस्कटॉप मोड पर जाके मैं रख रहा हूँ। देखिए मेरा डेस्कटॉप मोड आ गया है दोस्तों इधर, और इधर मैं क्लिक करके इसको डेस्कटॉप पर रख दिया दोस्तों। देखिए आप देख सकते हैं इधर मेरा, देखिए दोस्तों इधर मेरा टैपसाला है वो आ गया है दोस्तों, देख सकते हैं आप मेरा टैपसाला है वो आ गया दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के लिए इतने ही, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में साथ। चलिए दोस्तों बाय।